दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वुल्वरीन के बेटे जिमी हडसन के बारे में। आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे और जिमी हडसन को आप लोगों ने मेन यूनिवर्स में देखा होगा और जो लोग कॉमिक्स फॉलो करते हैं उन सभी ने भी हंट फॉर वुल्वरीन में जिमी हडसन को देखा होगा, जिसको जेम्स हडसन जूनियर भी कहा जाता है। लेकिन जिमी हडसन एक्चुअली मेन यूनिवर्स के लोगन का बेटा नहीं है, वो अल्टीमेट यूनिवर्स 1610 के वुल्वरीन का बेटा है, जो सीक्रेट वॉर के बाद मेन यूनिवर्स में आ गया था। और आज हम लोग देखेंगे उसकी ओरिजिन स्टोरी। तो बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते आज की वीडियो। एक कहानी शुरू होती है जिमी हडसन के टीनेज उम्र से। जिमी हडसन यानी जेम्स हडसन का बेटा, जेम्स हडसन जो मेन यूनिवर्स में द गार्डियन के नाम से पहचाना जाता है। और जिमी जेम्स हडसन और उसके पत्नी के परवरिश में ही बड़ा हुआ। और एक रात जिमी अपने टीनेज दोस्तों अपने गर्लफ्रेंड सैमी के उसकाने पे चेज नाम के एक लड़के के साथ कार रेस करने में राजी हुआ। और सैमी के इशारा करते ही वो दोनों भरी रात में खाली सड़क में अपने रेसिंग के जलवे दिखाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन कम उम्र के भरी जुनून में अपने गर्लफ्रेंड के बहकावे में की गई रेसिंग जिमी के लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई और जिमी के कार की टायर फट के निकल गया और उसकी पूरी कार उलट गई और देखते ही देखते वो कार ब्लास्ट हो गई। और इतनी बड़ी एक्सप्लोशन से जिमी का बचना नामुमकिन था और देख के सभी वहीं पे रुक गए और उसकी गर्लफ्रेंड भाग के वहाँ पे आई। लेकिन जिमी के मौत से ज्यादा डर उसके गर्लफ्रेंड को ये देख के लगा कि उसका बॉयफ्रेंड जिंदा है। जिमी उस एक्सप्लोशन से बच गया था और अधमरी हालत में चल रहा था और उसके घाव हील भी हो रहे थे। और देख के उसकी गर्लफ्रेंड समझ गई कि जिमी भी उनमें से एक है, जिमी भी म्यूटेंट है। लेकिन जिमी उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो म्यूटेंट नहीं है, लेकिन सैमी नहीं मानती। वो जिमी को दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि उस वक्त भी अल्टीमेट यूनिवर्स में लोग म्यूटेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन लकीली तभी वहाँ पे हेलीकॉप्टर में उस एरिया के शरीफ आते हैं और जो और कोई नहीं जिमी के फादर जेम्स हडसन थे। और वो बड़ी चालाकी से सभी की नजरों से छुपा के अपने बेटे जिमी को लेके चौपर में चले जाते हैं और कहते हैं कि ये सब अब वो लोग संभालेंगे। ऑब्वियसली वो यहाँ के शरीफ है। और जेम्स रात को जिमी को घर पे लेके आते हैं और अकेले किचन में जेम्स अपने पत्नी से जिमी के बारे में बात करते हैं और मिसेस हडसन कहती है अगर तुम शरीफ ना होते तो आज शायद वो जेल में होता, लेकिन वो हमारा बेटा है जेम्स और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। और उस वक्त जिमी ऊपर छत पर लेटा हुआ था और जेम्स कहते हैं कि अब वक्त आ गया कि हमें उसको सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन मिसेस हडसन कहती है कि नहीं ऐसा मत करो, क्योंकि मिसेस हडसन अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी। और तभी हम लोगों को पता चलता है कि मैग्नीटो की वाइफ मैग्डा, जो एक अंडरकवर स्पाई थी और मदर वाइन ड्रग्स स्मगलिंग को लेकर काम कर रही थी, वो वुल्वरीन के प्यार में पड़ गई थी और फिर वुल्वरीन के साथ उसका अफेयर हुआ और इससे वुल्वरीन और मैग्डा का एक बेटा हुआ जिसके बारे में वुल्वरीन को पता नहीं था। और जब मैग्डा प्रेग्नेंट थी तब उसके बॉडी में ऑलरेडी मदर वाइन का ड्रग इंजेक्टेड था। और क्योंकि वो एक अंडरकवर स्पाई थी उसे पता चला कि कुछ लोग उसके जान के पीछे पड़े हुए हैं इसी मदर वाइन के सिलसिले को लेके, और वो तुरंत अपने बेटों को लेके वुल्वरीन के पास आई और वुल्वरीन को सब कुछ बताया और कहा कि वुल्वरीन उनके बेटे जिमी को किसी ऐसे आदमी को सौंप दे जिसके ऊपर वुल्वरीन का पूरा भरोसा है और किसी को पता ना चले कि जिमी उनका बेटा है। वरना अगर मैग्डा के पीछे पड़े हुए लोगों को और वुल्वरीन के पीछे पड़े हुए लोगों को पता चला उनके बेटे के बारे में तो ये लोग उनके बेटे को नहीं छोड़ेंगे। और वुल्वरीन को एक डिवाइस देती है, जब जिमी बड़ा हो जाएगा तब जिमी को इस डिवाइस के जरिए अपने बारे में सब कुछ पता चलेगा कि वो कौन है। और मैग्डा वुल्वरीन को बताती है कि कुछ लोग अभी भी मुझे फॉलो कर रहे हैं और वो लोग फॉलो करते करते यहाँ जरूर आएंगे और इसलिए अच्छा ही होगा कि वुल्वरीन मैग्डा को घायल कर दे और वो अपने खून के निशान छोड़ते हुए उन लोगों को बहका के अपने पीछे लेके जाएगी वुल्वरीन और अपने बच्चे से दूर और फिर उन लोगों को निपटाएगी। और वुल्वरीन एक बार भी नहीं सोचता और घचक वो मैग्डा के पेट में अपनी क्लॉज गाड़ देता है और मैग्डा अपने खून के निशान छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाती है। और उस तरफ वुल्वरीन जिमी को लेके अपने एक ट्रस्टेबल दोस्त जेम्स हडसन के घर के दरवाजे पे छोड़ता है जिसके साथ वुल्वरीन ने इराक के जंग में एक साथ लड़ा था। और फिर जेम्स उसका नाम बदल के जिमी हॉलेट लोगन से जिमी हडसन कर देता है। और इस तरफ प्रेजेंट टाइम में अगले दिन सुबह किटी पैट जिमी हडसन के पास आती है और जिमी को छत पे सोते देख वो जिमी को उठाती है और बताती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है लेकिन अकेले किसी ऐसे जगह में जहाँ पे कोई और ना हो। और जितना दूर मुझे पता है कि किटी को यहाँ पे मिस्टर और मिसेस हडसन ने बुलाया था। और जिमी किटी पैट को लेकर तालाब के पास एक घर पे जाता है और वहाँ पे किटी
जिमी को उल्वरीन की एक बॉक्स दिखाती है और जिमी को अपने पिता और माँ के बारे में सब कुछ बताती है और बताती है कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था। बहुत साल पहले सारे एक्समैन और कुछ सुपरहीरोज मिलके मैग्नेटो के खिलाफ लड़ रहे थे और इस दुनिया में मैग्नेटो ने प्रोफेसर चार्ल्स जेबियर्स को मार डाला था और इससे उल्वरीन का खून खौल उठा था और वो मैग्नेटो को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था और मैग्नेटो ने तभी साइक्लोप्स के आई डिवाइस और आयरन मैन के आर्मर को कंट्रोल करके उल्वरीन के ऊपर एक साथ वार करवाता है और इससे उल्वरीन के एडामेंटियम स्केलेटन को छोड़ के पूरी बॉडी तबाह हो जाती है और तभी मैग्नेटो अपने पावर का इस्तेमाल करके उस एडामेंटियम स्केलेटन का भी धूल बना देता है जिससे कि लोगन और रीजेनरेट नहीं कर पाए और लोगन की वहीं पे मौत हो जाती है और ये देख के साइक्लोप्स गुस्सा हो जाता है और मैग्नेटो का सिर उड़ा देता है और वहीं पे मैग्नेटो की भी मौत हो जाती है। और ऐसा बता के किटी पैट जिमी हर्सन को उसकी माँ की वही डिवाइस देती है जो डिवाइस लोगन के बॉक्स के अंदर ही थी और उसके अंदर और भी बहुत कुछ था जैसे एक्समैन की फोटो, जीन ग्रे का बाल और भी बहुत कुछ जिसके अंदर से वुल्वरीन का एक होलोग्राम निकलता है और लोगन जिमी को सब कुछ एक्सप्लेन करता है और बताता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो अब से आगे किटी तुम्हारी हेल्प करेगी। और होलोग्रामिक मैसेज खत्म होने के बाद किटी जिमी को उसके पावर्स के बारे में बताती है कि उसके पास क्या क्या पावर्स है और वो कैसे उन सभी का इस्तेमाल कर सकता है और उसे बताती है कि वो कैसे अपने हाथों से क्लॉस निकाल सकता है। और किटी के कहे गई बातों के मुताबिक जिमी कोशिश करता है और उसके हाथों से बोन क्लॉस निकलते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी कि बोन क्लॉस निकलने के साथ ही एक अजीब सा मेटल जिमी के बॉडी से निकल के उन क्लॉस को कवर कर दे रही थी जो बिल्कुल एडामेंटियम की तरह था जो उसके पिता को वेपेनिक्स प्रोग्राम में मिला था। और बाद में एक इवेंट में पता चलता है कि सिर्फ क्लॉस नहीं जिमी के दांत भी उस मेटल से कवर हो जाते हैं। और इसके बाद जिमी सीक्रेट वॉर में भी लड़ा जहाँ पे उसे ठीक से नोटिस नहीं किया गया और फिर वो मेन यूनिवर्स में भी आया जहाँ पर सीक्रेट वॉर और इनकर्सन के बाद उसे ठीक से कुछ याद नहीं था और उसके साथ X-23 और डेकन की भी मुलाकात हुई। और वेनमवर्स का अगले पार्ट में भी हम लोग जिमी हर्सन को देखने वाले हैं जहाँ पर वो भी एक पॉइजन बन जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब मारो और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो। वैसे आज हम लोगों की फीमेल पार्टनर झुमा दास की बर्थडे है, आप लोग चाहे तो कमेंट में उसे विश कर सकते हैं। सो बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।